प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 20 में हम अध्ययन कर रहे थे विक्रय प्रवर्तन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं जनसंपर्क अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पूर्व में हमने विज्ञापन, विक्रय प्रवर्तन क्या है और विज्ञापन से क्या आशय है इसको हमने जाना। आज की इस क्लास में हम व्यक्तिगत विक्रय ये क्या कहलाता है इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक उत्पादनकर्ता या विक्रेता या व्यापारी माल को बेचने के लिए और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है तरह तरह के प्रयास करता है, और ये सारे प्रयास जो है वो विक्रय प्रवर्तन से जुड़े हुए होते हैं। इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए जो वो वस्तु का विज्ञापन भी करता है, विज्ञापन के माध्यम से जो है अपने क्रेता, अपने ग्राहकों तक अपनी वस्तु की विशेषताओं के बारे में जानकारी पहुंचाता है ताकि वो वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक हो और आकर्षित हो। इसी विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत एक और जुड़ा हुआ जो बिंदु है वो है व्यक्तिगत विक्रय। अब व्यक्तिगत विक्रय क्या है इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे कि विक्रय प्रवर्तन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत विक्रेता या उसके प्रतिनिधि द्वारा सीधे क्रेता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करके क्रेता की इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तित करने की क्या है, कला है। तो विक्रय प्रवर्तन क्या है, विक्रेता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्रेता से डायरेक्ट संपर्क करता है और क्रेता की जो इच्छा है उसको आवश्यकता में परिवर्तित करने का कार्य व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक इच्छा जो है वो आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक आवश्यकता जो होती है वो क्या, इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि इच्छा को पूरा करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, और जब हमारे पास साधन होते हैं तो हम उस इच्छा को पूरा करते हैं और तब वो हमारी क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है। तो यहां पर जो विक्रेता या प्रतिनिधि जो है वो ग्राहक की इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तित करता है और ग्राहक को वो आकर्षित करता है। तो ये जो ग्राहक को आकर्षित करने की कला है वो कहलाती है विक्रय कला। टीएस मार्क्स ने कहा है विक्रय कला मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की क्षमता है, अर्थात माल को बेचने की जो कला है, विक्रय कला जो है वो एक मनुष्य की जो उसकी इच्छा है उस इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तित करने की क्या है, कला है या क्षमता है, वो कहलाता है यहां पर व्यक्तिगत विक्रय। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय जो है वह चतुराई है, अर्थात वो एक चतुराई पूर्ण कला है जिसके द्वारा जो है विक्रयकर्ता संभावित ग्राहकों में माल या सेवा के प्रति सम्मान उत्पन्न करके परस्पर लाभ व संतोष के लिए क्या करता है, विक्रय करता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विक्रय जो है एक विक्रेता के द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा जो है माल को ग्राहक तक डायरेक्ट बेचने की जो क्रिया है वो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत आती है। अब व्यक्तिगत विक्रय का जो महत्व है ये तीन प्रकार से है, उपभोक्ता के लिए महत्व है और निर्माताओं अर्थात उत्पादनकर्ताओं के लिए महत्व है, वहीं समाज के लिए भी व्यक्तिगत विक्रय का महत्व है। तो हम यहां तीनों रूपों में देखेंगे कि उपभोक्ता के लिए, निर्माता के लिए और समाज के लिए व्यक्तिगत विक्रय का क्या महत्व है। तो उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो उपभोक्ताओं को क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से वस्तुओं की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्तिगत विक्रय के लिए हमारे घर में या किन्हीं वस्तुओं को लेकर बेचने के लिए आता है तो सबसे पहले वो उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, ये किस प्रकार की वस्तु है, इसका उपयोग किस प्रकार का, ये तमाम प्रकार की इसकी कीमत कितनी है, ये समस्त प्रकार की जानकारी वो हमें प्रदान करता है। तो वस्तुओं की सूचना प्राप्त होती है। दूसरा जो है वस्तुओं के गुण और उनके उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो वस्तु के गुण है, जो वस्तु की क्वालिटी है, जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो उसका उपयोग है,
इस सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर उपभोक्ता को अपनी रुचि व इच्छा अनुसार क्रय करने में मदद करता है। व्यक्तिगत विक्रय जो है उपभोक्ता को अपनी रुचि व उसकी इच्छा अनुसार जो है खरीदने में मदद करता है। साथ ही घर बैठे आवश्यकता की वस्तु का प्राप्त होना, व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो उपभोक्ता को घर बैठे वस्तु प्राप्त होती है। अब दूसरा जो हम देखें निर्माताओं के लिए क्या महत्व है, निर्माता कौन है जो उत्पादन करता, माल के जो है उत्पादन करता, तो उत्पादन करता की दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि व्यक्तिगत विक्रय का क्या महत्व है, तो सबसे पहली चीज है बड़ी मात्रा में बिक्री संभव होती है, अर्थात व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो है घर घर जो उत्पादन करता अपने माल को बेचने के लिए पहुंचाता है, तो इससे क्या होता है कि बड़ी मात्रा में बिक्री संभव होती है। फिर दूसरा, व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो है बाजार का विस्तार व सृजन होता है, अर्थात प्रारंभ में जो वस्तुएं बाजार में नहीं बिक पा रही हैं घर घर पहुंचाकर जब उनकी जानकारी प्रदान की जाती है, तो इससे जो है बाजार में उन वस्तुओं की बिक्री बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विक्रय जो है बाजार का विस्तार करता है और नए बाजार को भी बनाता है और साथ ही बाजार सुरक्षित रहता है। तो यहाँ व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो उसका पूर्व बाजार है वो भी क्या होता है प्रॉपरली वही का वही बाजार बना रहता है। फिर उपभोक्ताओं की रुचि की जानकारी विक्रय प्रतिनिधि द्वारा मिलती है। उपभोक्ताओं की पसंद किस प्रकार की है, किस प्रकार की वस्तु को पसंद करते हैं, किस क्वालिटी की वस्तु को पसंद करते हैं, कितनी क्वांटिटी में वस्तु को पसंद करते हैं या वस्तु को किस कीमत पर वो खरीदना चाहते हैं, और उपभोक्ताओं की रुचि किस प्रकार की है, किस प्रकार की वो वस्तु चाहते हैं, ये समस्त जानकारी जो है वो विक्रय प्रतिनिधि को बताते हैं। और ये जानकारी जो है विक्रय प्रतिनिधि जो है अपने निर्माताओं तक ये बात को पहुंचाता है और फिर उसके अनुसार जो है उत्पादनकर्ताओं के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो उपभोक्ताओं की रुचि की जो जानकारी है वो विक्रय प्रतिनिधि के माध्यम से निर्माताओं को प्राप्त होती है। साथ ही इसमें मांग का पूर्वानुमान उत्पादन के लिए आवश्यक नियोजन में मदद मिलती है। व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो है कि वस्तु की डिमांड बाजार में किस प्रकार की है, लोग किस प्रकार से उस वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं, इस संबंध में मांग का जो पूर्वानुमान है वो यहाँ पर उत्पादनकर्ता को प्राप्त होता है। साथ ही और उत्पादन में आवश्यक किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहिए, इस सबकी जानकारी जो है यहाँ पर निर्माताओं को प्राप्त होती है। तो ये दो जो महत्व है उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए महत्व। इसके बाद तीसरा बिंदु जो है समाज के लिए महत्व। व्यक्तिगत विक्रय जो है समाज के लिए किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला है बड़ी मात्रा में रोजगार की प्राप्ति होना, विभिन्न प्रकार के व्यापार व्यवसाय उद्योग से उत्पादित वस्तुओं के विक्रय प्रतिनिधि के माध्यम से जो है अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। फिर देश का कुल उत्पादन के बढ़ने से रोजगार व लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाता है। व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो है उत्पादन की बिक्री क्या होती है बढ़ जाती है, तो कुल उत्पादन बढ़ता है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और इससे लोगों का जीवन स्तर जो है वो बढ़ जाता है। फिर तीसरा जो है मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करके मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो है डिमांड और आपूर्ति दोनों का प्रॉपरली क्या होता है संतुलन बनाए रखने में ये मदद करते हैं। फिर ये देश के औद्योगिक व व्यापारिक विकास में सहायक होता है। तो व्यक्तिगत विक्रय जो है इसके माध्यम से उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में होता है, तो औद्योगिक और जो व्यापारिक विकास है उसमें वृद्धि होती है और इसमें कर के रूप में सरकार की आय भी बढ़ती है। यहाँ पर बिक्री की मात्रा बढ़ने से जो है विक्रय कर के रूप में उत्पादन कर के रूप में जो है सरकार को आय प्राप्त होती है। तो ये तीसरा बिंदु जो है समाज के लिए महत्व। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि व्यक्तिगत विक्रय का जो महत्व है उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से किस प्रकार का है, निर्माताओं के प्रति किस प्रकार का है और समाज के लिए क्या महत्व है। अब यहां हम देखेंगे एक सफल विक्रयकर्ता के लिए जो आवश्यक गुण होना चाहिए वो कौन कौन से होना चाहिए। एक
जो विक्रय करता है माल को बेचने वाला, वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार के गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला तो यह है, ग्राहकों को आकर्षित करने वाला, मृदुभाषी, प्रसन्न चित्त, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, जिससे ग्राहक क्या हो, आकर्षित हो। अर्थात विक्रेता को चाहिए कि विक्रेता का स्वभाव व्यवहार जो हो कैसा हो, मृदुभाषी हो, प्रसन्न चित्त हो, साथ ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, ताकि ग्राहक जो है उससे आकर्षित हो। फिर दूसरा, विक्रेता को चाहिए कि विक्रय कला का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और स्वयं धीरजवान भी होना चाहिए। माल को बेचने की जो कला है, जो उसके ज्ञान है, वो उसमें परिपूर्ण होना चाहिए, साथ ही धीरजवान भी होना चाहिए। फिर पर्याप्त बौद्धिक विकास वाला होना चाहिए, जिसमें पहल क्षमता, सूझबूझ, स्मरण शक्ति आदि संबंधित मानसिक गुणों का समुचित विकास उसमें होना चाहिए। और फिर है, उसे अपनी फर्म, वस्तु, ग्राहकों की आवश्यकताओं आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। और उसमें जो धंधे संबंधी आवश्यक गुण, अर्थात अपने व्यवसाय प्रोफेशन को संचालित करने से संबंधित जो गुण है, वो जैसे महत्वाकांक्षा होना चाहिए, अपने व्यापार व्यवसाय उद्योग को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के संबंध में उसमें अंदर एक उमंग होना चाहिए, एक महत्वाकांक्षा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए, अभिरुचि होना चाहिए, आत्मसंयम भी होना चाहिए, अनुशासन एवं स्वामी भक्ति संबंधी गुण होना चाहिए। तो ये एक व्यवसाय से जुड़े हुए जो आवश्यक गुण है एक व्यवसायी के अंतर्गत, एक विक्रेता के अंतर्गत, वो महत्वाकांक्षा, उत्साह, स्फूर्ति, अभिरुचि, आत्मसंयम, अनुशासन एवं स्वामी भक्ति आदि के गुण उसमें होना चाहिए। और अंतिम जो है, विक्रयकर्ता जो है मिलनसार व बातचीत में निपुण होना चाहिए। अर्थात विक्रेता जो है, विक्रयकर्ता जो है, वो अपने ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखे और उनसे मिलनसारता रखे, ताकि वो अपने माल को अधिक से अधिक मात्रा में वो बेच सके। तो ये सफल विक्रयकर्ता के लिए कुछ आवश्यक गुण है। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय में दोनों में अंतर क्या है। तो इसका उद्देश्य विज्ञापन का जो है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है। विज्ञापन जो है लार्ज स्केल पर किया जाता है और ये ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं व्यक्तिगत विक्रय जो है, ग्राहकों को संतुष्ट कर वस्तु व सेवा का विक्रय करना होता है। यहां पर जो है व्यक्तिगत विक्रय में जो है, सीधे ग्राहक को वस्तु बेची जाती है और उससे संतुष्टि प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिगत विक्रय का जो उद्देश्य है, वो ग्राहक को वस्तु या सेवा या माल का क्या है, विक्रय करना है। फिर क्षेत्र की बात करें हम, तो क्षेत्र में इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। विज्ञापन का क्षेत्र क्या है, बड़ा है, क्योंकि एक साथ अनेक ग्राहकों में वस्तु को क्रय करने की भावना जागृत की जा सकती है। तो विज्ञापन जो है एक कंपनी का भी हो सकता है, कंपनी के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उन सभी का एक साथ भी हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को लेकर भी उत्पादन हो सकता है। तो इसका विज्ञापन का जो क्षेत्र है वो क्या है, एक व्यापक है, बहुत बड़ा है। इसमें जो है एक साथ अनेक ग्राहकों को वस्तु क्रय करने की भावना जो है इसमें जागृत की जा सकती है। जबकि वैयक्तिक विक्रय ये व्यक्तिगत है, इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि एक साथ अनेक ग्राहकों से संपर्क नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विक्रय में एक समय में विक्रयकर्ता एक ही ग्राहक से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है, सीमित होता है। फिर माध्यम की बात करें तो ये जो है विज्ञापन लिखित होता है, मुद्रित होता है, या चित्रित होता है, या दृश्य का दृश्य रूप में परिवर्तित रहता है, या शब्द रूप में परिवर्तित रहता है। लेकिन वैयक्तिक विक्रय जो है ये क्या है, मौखिक होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विक्रय में जो है यहाँ पर विक्रेता जो है सीधे ग्राहक से संपर्क करता है, फेस टू फेस, डायरेक्ट। तो ये क्या है, मौखिक है। फिर प्रकृति, ये क्या है, अव्यक्तिगत सेवा है, अर्थात ये फेस टू फेस व्यक्ति के सामने नहीं होती, ये अव्यक्तिगत सेवा है। जबकि वैयक्तिक विक्रय में ये क्या है, एक व्यक्तिगत सेवा है। फिर सहायता, विज्ञापन जो है वैयक्तिक विक्रय की
सहायता करता है। अर्थात हम देखते हैं जब विज्ञापन के माध्यम से किसी वस्तु के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, और यदि कोई व्यक्तिगत विक्रेता हमारे सामने वो वस्तु लेकर जब आता है तो हमारे ध्यान में आता है कि ये चीज हमने विज्ञापन में देखी हुई है। तो विज्ञापन जो है वो व्यक्तिगत विक्रय में सहायता करता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय जो है विज्ञापन में सहायता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्तिगत विक्रय में व्यक्ति वस्तु को बेचने के लिए ग्राहक के पास पहुंचता है, तब ग्राहक को जो है विज्ञापन के बारे में, इस वस्तु के बारे में जानकारी पूर्व से नहीं होती है, तो यह विज्ञापन की सहायता नहीं करता। फिर प्रभाव, यह प्रत्येक ग्राहक की जिज्ञासा व शंका को संतुष्ट करने में असमर्थ होता है। विज्ञापन में क्या होता है कि जो जानकारी उत्पादनकर्ता के द्वारा वस्तु के बारे में दी गई, सिर्फ वही जानकारी जो है, उतनी ही सीमित जानकारी जो है उपभोक्ता को, ग्राहक को प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक ग्राहक की जो जिज्ञासा है या उसकी जो शंका है वो उसको संतुष्ट करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। जबकि यहां पर जो है, चूंकि फेस टू फेस सामने सामने बात होती है, तो प्रत्येक ग्राहक की जिज्ञासा व शंकाओं का समाधान यहां पर कर सकता है। विक्रेता जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक के सामने होता है, तो ग्राहक उस वस्तु के उपयोग के बारे में या उस वस्तु की किसी भी समस्या के बारे में, शंका के बारे में यदि जानकारी वो विक्रेता से पूछता है, तो विक्रेता उसको तत्काल में एट ए टाइम उसी समय उसकी शंका का समाधान कर सकता है। तो यहां पर ये प्रभाव की बात करें। और अंतिम जो है संपर्क, इसमें ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं होता। विज्ञापन जो है लार्ज स्केल पे किया जाता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यहां पर ग्राहकों से उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसी प्रकार का नहीं होता है, तो ग्राहकों से यहां पर व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं होता। जबकि वैयक्तिक विक्रय में चूंकि ग्राहक के पास तक जाकर जो है विक्रयकर्ता माल को बेचता है, तो यहां पर जो है ग्राहकों से क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट संपर्क स्थापित होता है। तो यह संपर्क की बात है। तो इस प्रकार से ये विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय में जो कुछ अंतर थे। अभ्यास प्रश्न, व्यक्तिगत विक्रय से क्या आशय स्पष्ट करिए, व्यक्तिगत विक्रय के उपभोक्ता की दृष्टि से क्या महत्व समझाइए, और व्यक्तिगत विक्रय का निर्माताओं के दृष्टिकोण से क्या महत्व स्पष्ट करिए। चौथा, व्यक्तिगत विक्रय का समाज के लिए क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। पांचवा, विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए।